नमस्कार दोस्तों, ये इस सीज़न का मेरा लास्ट वीडियो है। मशरूम हमारी आ गई है, अब अच्छी मशरूम आ रही है। इस बेड में हमारे दूसरी बार मशरूम आई है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी घनी मशरूम आ रही है। कई कई स्पॉट अभी भी हैं, धीरे धीरे ये सब आनी मशरूम शुरू हो जाएगी क्योंकि बेड्स हैं हमारे, तो अभी धीरे धीरे कहीं कहीं देखेंगे आप पिनिंग्स आ रही हैं, कहीं कहीं मशरूम्स आ रही हैं। तो दोस्तों, ये सीज़न कुल मिला के हमारा अच्छा जा रहा है, अच्छा प्राइस भी मिल रहा है और हम दो तीन मंडियां हम कवर भी कर पा रहे हैं। देखिए मशरूम, अगर दूर दूर तक देखते हैं ना, मशरूम आ गई है, जिस भी बेड पे देखते हैं मशरूम आ रही है। कहीं कहीं सघन है, कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है, तो धीरे 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 सारे बेड्स पे आ जाएगी। तो टेम्परेचर मेंटेन रखें इसका, तो इसको पानी और जो ऑक्सीजन है वो भी टाइम से टाइम देते रहेंगे। और देखिए पिनिंग, सेकेंड टाइम पिनिंग्स आनी शुरू हो गई हैं। पहली बार हम इसमें से अच्छा फ्लश निकाल चुके हैं। इसमें हमारे पास सबसे जो ज़्यादा फ्लश आया था वो 4 क्विंटल का फ्लश था हमारे पास, जो 4 क्विंटल माल हमने एक बार में निकाला था इसमें से। और धीरे 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 हम आ रहे हैं माल, देख सकते हैं आप, मशरूम आ रही है, ये देखिए मशरूम आ रही है। तो दोस्तों, कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे पास, जो शेयरिंग करने के लिए आपसे जो चीज़ें थी, मैंने जो बातें थी वो आपसे शेयर की हैं। आपको लगता है कि अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट या मेरे को ईमेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, तो मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। बाकी देखिए, अगर कहीं कुछ लगता है जैसे कि कुछ ख़राब है तो आप निकाल सकते हैं, हाथ लगा के बाहर फेंक सकते हैं उसको दूर। ये देखिए फार्म में हम डेली सफाई करते हैं, देखिए झाड़ू लगाना फार्म में बहुत ज़रूरी है, नीचे गंदगी नहीं होनी चाहिए फार्म में। सो जितना साफ स्वस्थ रखेंगे फार्म उतना ही बढ़िया है। आपको ये मैं दिखा सकता हूँ कि रफलिंग की थी हमने सेम डे, उसके अगले दिन हमने, ये देखिए रफलिंग वाला जो बैच है हमारा वो भी अच्छा चल रहा है। ये देखिए ये बेड है जो रफलिंग है, इसमें हमने रफलिंग की थी और उसी दिन हमने इसके अंदर केसिंग कर दी थी, तो इसमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर ही मशरूम आए थे। ये देखें कई जगह बेड हैं जो बैठ गए हैं, वो हम करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे अब इस सीज़न के लिए अलविदा चाहूँगा। अगला सीज़न जब होगा तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो डालूँगा, और अगर भगवान ने चाहा तो अगर एसी फार्म लग गया तो मैं एसी फार्म के भी आपको जो शेयरिंग्स है वो ज़रूर करूँगा जनवरी के ऑनवर्ड्स। तो अब अगले 2 महीने तक मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि अब इसके बाद कुछ काम नहीं रहा है। पैकिंग भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, और हमारा जो शुरू हुआ था काम हमारा कंपोस्टिंग से लेके आज फाइनली हार्वेस्टिंग, फ्लश हार्वेस्टिंग तक हो गया है। मशरूम के में इतना ही काम होता है। देखिए सबसे पहले हमने मेरे पहले वीडियो में हमने डिस्कशन करी थी कि कैसे हम तुड़ी की पलटाई करते हैं, फिर कैसे हमने उसको चैम्बर में भरा है, फिर उसके बाद मैंने केसिंग का आपको वीडियो शेयर किया है, उसके बाद मैंने आपको स्पॉनिंग कैसे करते हैं, कैसे केसिंग करते हैं, केसिंग कैसे बनाते हैं, कैसे कंपोस्ट बनाते हैं, कैसे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, कैसे ह्यूमिडिटी चेक करते हैं, और कैसे आप बेड्स बनाते हैं, कैसे आप शेड बनाते हैं, और कैसे आप इसमें धागा डालते हैं, कैसे आप बेड्स की बुनाई करते हैं, और कैसे इसमें आप जो है देखते हैं इसमें ऑक्सीजन और उन सबको कैसे, मतलब जो है वो कैसे मेंटेन करते हैं, वो सब मैंने आपको इस पूरे वीडियोस में शो जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैंने पूरे वीडियो शो किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन है या इंक्वायरी है आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं। तो दोस्तों अलविदा इस सीज़न के लिए, अगला सीज़न में मिलते हैं। धन्यवाद, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। अगर फिर भी कुछ मैंने ऐसा कुछ कहा हो जो आपको लगा हो कि नहीं ये सही नहीं है या गलत है, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं।